तो आज का अपना टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ, बेसिक से हम इसको सारा सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है ना। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या हम इसको हिंदी में कह सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। मैं आपको पहले एलसीएम का एकदम बेसिक बता रहा हूं, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको एचसीएफ बताऊंगा, ठीक है। देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक मतलब, देखो, एसी छोटी से छोटी संख्या, क्या बोल रहा हूं मैं, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। आप इसको नोट्स में लिख लेना, मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे हम एलसीएम बोलते हैं। मतलब ऐसा एक लीस्ट, सबसे छोटा नंबर जो जितने भी नंबर्स गिवन हैं उन सबसे डिवाइड हो जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा कि भाई 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा। मेथड्स पे हम आ रहे हैं, पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूं 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा। तो आपको एक ऐसी संख्या सोचना है जिससे ये तीनों संख्याएं विभाजित हो जाएं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। हो जाएगा क्या? देखो, 12 में 2 का भाग भी जाता है, 12 में 3 का भाग भी जाता है, 12 में 4 का भाग भी जाता है, ठीक है। और 12 सबसे छोटी संख्या है इन तीनों के लिए जिसमें तीनों का भाग जाएगा। आप मुझे 12 से छोटी संख्या कोई सी बता दो जिसमें तीनों का भाग जाए, ठीक है, तो वो कोई सी संख्या नहीं होगी। भाई 12 के पहले 10 क्योंकि आएगी तो कोई ना कोई सम संख्या, तो 10 हो नहीं सकता, 8 हो नहीं सकता, 6 हो नहीं सकता, तो एक ही संख्या हमारे पास बचेगी 12, ठीक है। तो 12 वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें तीनों का भाग जाएगा, और इससे और कोई छोटी संख्या नहीं हो सकती। लेकिन इससे बड़ी संख्याएं कहीं हो सकती हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि इनका एलसीएम 12 है, तो 12 और 12 के पहाड़े में आने वाली हर संख्या इनसे विभाजित होगी। जैसे कभी कभी हम 12 को आगे अगर बढ़ाएं तो 12 का 24, 36, 48, 60, 12 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आएंगी उन सभी संख्याओं में इनका भाग जाएगा। पर एलसीएम केवल क्या कहलाएगा? 12, क्योंकि सबसे छोटी जो पॉसिबल नंबर है, सबसे छोटी जो संख्या है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया यहां तक? देखो, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, कि सबसे छोटी संख्या यहां पर जो मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी? 12। ओके, तो ये हो गया अपना एलसीएम। अभी मेथड्स, हम मेथड्स पे आ रहे हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत है? यहां तक क्लियर है सभी को? चल, तो ये तो हो गया एलसीएम, इसकी परिभाषा क्या होती है। अब हम बात करते हैं इसकी मेथड्स पे, ठीक है। एलसीएम के लिए हम दो मेथड्स यूज करते हैं। सबसे पहले एक विधि होती है भाग विधि, जो सबसे अच्छी है एलसीएम निकालने के लिए, और दूसरी विधि होती है गुणनखंड विधि, ठीक है। दोनों मेथड से मैं आपको अभी एग्जाम्पल बताऊंगा, भाग विधि और गुणनखंड विधि, ठीक है। भाग विधि मतलब इंग्लिश में होगा डिवीजन मेथड, और इसको हम बोलेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम सबसे पहले बात करें कि भाग विधि क्या होती है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 24, 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। 24, 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा? तो भाग विधि आपको पता है, हम हमेशा करते आए हैं इसको। चलो यहां हटा के मैं यहां लिख देता हूं 24, 30 और 40, ठीक है। तो भाग विधि में हम क्या करते हैं, अब देखो, यहां कई बच्चे जो हैं उन्हें ये वाली मेथड पता तो होती है, पर उन्हें यह पता नहीं होता है कि इसको शुरू कैसे करना है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप भाग देंगे तो वो हमेशा अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। नियम यह है इसका, हमेशा भाग किससे देते हैं? अभाज्य संख्याओं से, और दूसरा बढ़ते क्रम में। इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं,
ठीक है, उन्हें यह भी पता है कि ठीक है हमें अभाज्य संख्या से भाग देना है, वो सोचते हैं पहले 6 से भाग दे देते हैं या वो सोचते हैं कि पहले 4 से भाग दे देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। आपको सीक्वेंस में चलना है, बढ़ते क्रम में चलना है। आपको पता है अभाज्य संख्या है मतलब इंग्लिश में प्राइम नंबर्स, और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, फिर उसके बाद आएगा 11। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और भाग देने में भी हमें इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। क्लियर है इतनी बात? तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, जब तक भाग जा सकता है। तो 2 से भाग दिया 12 बार, 15 बार और 20 बार। अभी और 2 से भाग जाएगा, तो 2 से भाग गया 6 बार, इसमें अब नहीं जाएगा तो इसको छोड़ दो, इसमें जाएगा 10 बार, फिर इसमें जाएगा 3 बार, इसमें 15 बार, इसमें 5 बार, फिर अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो अब 3 का भाग दे देते हैं, 3 से 1 बार, ठीक है, 3 से 5 बार और इसमें भी 5 बार, और आखिरी में सिर्फ एक बार भाग जाएगा। तो ये हमारा हो गया पूरा भाग। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इनका गुणा करना है। तो 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का 3 गुना 24, 24 का 5 गुना 120। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा 120। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बताइए जल्दी से समझ में आया, कोई दिक्कत है? देखो एकदम बेसिक से और एकदम बच्चों जैसा मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, इसलिए मैं एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूं। हो सकता है कहीं बच्चों को ये सब चीजें क्लियर हो, पर क्योंकि अधिकतर बच्चे संविदा में मैंने देखे कि उन्हें बेसिक में बहुत दिक्कत होती है, उन्हें पता ही नहीं होता है, वो कभी भी किसी भी संख्या का भाग दे देते हैं, एलसीएम का मतलब ही नहीं पता होता है, इसलिए मैं एकदम बच्चों जैसा मान के पढ़ा रहा हूं। अगर आपको ये सब चीजें आती हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, है ना, क्योंकि मैं उन बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं जिनको कुछ नहीं आता। क्लियर है? तो ये हमने सीखा, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डिविजन मेथड, या हिंदी में इसको कहेंगे भाग विधि। और सीक्वेंस का ध्यान रखना है, ये सबसे मेन बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। क्लियर है? तो ये हो गया। अब आप बोलोगे कि सर गुणनखंड विधि से कैसे करें, तो देखो दूसरी मेथड पे हम आते हैं, या चलो एक नई स्लाइड ले लेते हैं और वापस से हम 24, 30 और 40 का ही गुणनखंड विधि से भी कर लेते हैं। ठीक है, देखो गुणनखंड विधि मतलब फैक्टराइजेशन मेथड, और फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या हो जाएगा कि आपको सभी के गुणनखंड अलग अलग निकालने पड़ेंगे। जैसे आप पहले 24 के गुणनखंड निकालो, इसके बाद आप 30 के गुणनखंड निकालो, इसके बाद आप 40 के गुणनखंड निकालो। ठीक है, तो देखो 2 से भाग कितनी बार जाएगा, 12 बार, फिर 2 से भाग जाएगा 6 बार, फिर 2 से भाग जाएगा 3 बार, फिर 3 से भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार, फिर 2 से यहां पे भाग जाएगा 15 बार, 3 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 1 बार, 2 से जाएगा 20 बार, 2 से जाएगा 10 बार, 2 से जाएगा 5 बार और 5 से जाएगा 1 बार। ठीक है, तो सबके हमने अलग अलग गुणनखंड किए, अब आप इनको लिख लो। तो 24 के जो गुणनखंड हैं, 24 के गुणनखंड, 30 के गुणनखंड और 40 के गुणनखंड। ठीक है, देखो मैं आपको मेथड दोनों बता रहा हूं, आपको दोनों मेथड पता होना चाहिए, पर आपको यह ध्यान रखना है कि दोनों में से एक ही का यूज करना है। और एलसीएम निकालने के लिए ज्यादा अच्छी मेथड होती है भाग विधि। ठीक है, मतलब डिविजन मेथड। देखो यहां 2 कितनी बार दिख रहा है, 3 बार, तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख दूंगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, यहां पे देखिए 2, 3, 5 सब एक बार है, तो हम चाहें तो उसको 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 या 1 ना भी लिखें तो चलेगा। यहां 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। ठीक है, अब आप आगे देखना कि इनका एलसीएम में हम क्या करेंगे। एलसीएम में हम देखेंगे सबसे बड़ी घात, ठीक है, हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी घात हम देखेंगे सभी नंबर्स की। देखो यहां पे आप ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो 3 नंबर्स हैं, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। ठीक है, तो आपको 2, 3, 5 सभी की कोई ना कोई घात लेनी है। मुझे एक बात बताओ कि 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, दोनों जगह 3 ही है, तो 2 की सबसे बड़ी घात है 3 गुणा 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 कहीं भी देखो हाईएस्ट एक बार ही आया है, और 5 की सबसे बड़ी घात भी 1 ही है। ठीक है, तो 2 की घात 3 क्या होता है, 8, 3 की घात 1 होता है 3, 5 की घात 1 होता है 5, 5 दिया 15, 15 ठीक 120। ये आ गया आपका एलसीएम गुणनखंड विधि से। बताओ जल्दी से समझ में आया,
क्या देखते हैं? हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी घात, दो आया है तीन जगह, पर दो की सबसे बड़ी घात कितनी है? तो तीन है। ठीक है, मान लो कहीं पे होता दो की घात चार, कहीं होता दो की घात पांच, कहीं होता दो की घात तीन। अगर ऐसा भी आ जाता तो हम देखते दो सबसे ज्यादा कहां आया है, यहां, तो हम यहां लिख देते दो की घात पांच। आ रही बात समझ में? तो जितने भी नंबर्स हैं आप उनमें ये देखोगे कि सबसे बड़ी जो घात है, सबसे हाईएस्ट जो पावर है वो रखना है और उनका गुणा करना है। इसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। समझ में आया? हाँ जी, जल्दी समझ में आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, थैंक यू, समझ में आ गया है, अच्छी बात है। ठीक है भाई, सभी को क्लियर है? तो ये दो मेथड्स होती हैं, और मेथड तो मैं और भी बता सकता हूं, इसके अलावा आपको मैं एक और मेथड बता सकता हूं, पर वो केवल एक ट्रिकी मेथड है, आप उस पर अभी मत जाओ। आप अभी ये दो मेथड अच्छे सीखो, ये दो सीख लोगे फिर बाद में मुझे बताना तो आपको तीसरी मेथड और बता दूंगा मैं। ठीक है, चलो तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे, और आप मुझे अब जल्दी से सॉल्व करके बताओ। आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है, सिंपल सा, इसका सब लोग बताना। 25, 30 और 50 का एलसीएम बताओ जल्दी से क्या होगा। ठीक है, मेथड मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको जो मेथड यूज करना है करो, पर मेरा सजेशन रहेगा कि आप भाग विधि का यूज करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ कार्तिक, तीनों का एक साथ भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल, और अगर आप बड़ी संख्या को लेकर चलोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, देखो मेथड्स आपको आनी चाहिए, बाकी मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप कोशिश किया करो कि आप सबसे बड़े नंबर्स को देखकर चलो और उसके मल्टीपल में चलो, क्योंकि अगर हमें स्पेसिफिक संविदा शिक्षक वर्ग तीन की बात करूं तो वहां इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि आपको एलसीएम करने के लिए मेथड्स का यूज करना पड़े। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे, आपसे आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे, इसलिए वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बट स्टिल आना चाहिए आपको। जैसे आपको तीसरा लॉजिकल मेथड की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर देखना है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 50। 50 में 25 का भाग तो जाता है पर 30 का नहीं जाता। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 50 का पहाड़ा लेना चालू कर दोगे। 50 का दुगना क्या होता है? 100। अभी भी 30 का भाग नहीं जाता, 50 का तीन गुना करा 150, अब 30 का भाग जाता है, एलसीएम आ गया 150। तो ऐसे लॉजिकल भी आप कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आराम से बनेगा, पर क्योंकि हमें मेथड से करना है तो हम कर लेते हैं। क्या है हमारे पास? 25, 30 और 50। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत दो से ही करना पड़ेगी, तो दो से आ गया ये 25 बार, ये आ गया 15 बार, ये आ गया आपका 25 बार। ठीक है, फिर अभी अब दो का भाग तो जा नहीं सकता, तो अगला हमें क्या ट्राई करना पड़ेगा, अगला बताओ क्या ट्राई करना पड़ेगा? तीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा तीन से पांच बार, और ये तीन से नहीं कटेगा। अब तीन से नहीं कट सकता, अब आ जाएगा पांच, तो पांच से कटेगा ये पांच बार, ये एक बार, ये पांच बार, वापस से पांच से हम कैंसिल करेंगे तो ये फाइनली हमारे पास एक आ गया। तो तीन का दुगना 6, 6 का पांच गुना 30, 30 का पांच गुना 150। तो 150 वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें तीनों का भाग जाएगा। बिल्कुल, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा देंगे अवनीत। क्लियर है सभी को, है ना? तो पहले हमने दो से भाग दिया, फिर तीन से, फिर पांच से, फिर पांच से, इनका गुणा कर दिया, ये आ गया हमारा एलसीएम 150। तो इसको हम कहेंगे एलसीएम। दोनों मेथड्स आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। ओके, आगे अब बढ़ते हैं, और अगला अब हम सीखते हैं एचसीएफ निकालना। देखो एचसीएफ, एचसीएफ मतलब इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में होता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम में तो फिर भी बच्चे कंफ्यूज नहीं होते, बाकी एचसीएफ में जरूर हो जाते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो हाईएस्ट का मतलब क्या है? सबसे बड़ा। ठीक है,
कॉमन मतलब तो खैर कॉमन हिंदी में इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। और फैक्टर मतलब वापस से हम इसको क्या बोल देंगे, गुणनखंड, ठीक है। मतलब आपको यह देखना है कि सबसे बड़ी कॉमन संख्या कौन सी निकल सकती है, ठीक है। जैसे एक आपको दूसरा एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि हमारे पास लिखा है 18, ठीक है, फिर लिखा है 24 और फिर लिख लेते हैं हम 36, ठीक है। तो मुझे बताइए कि इन तीनों संख्याओं में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जा सकता है। आपको पहले बेसिक बता रहा हूं, फिर इसकी भी दोनों मेथड्स बताऊंगा। तो यहां पे सभी में एक का भाग जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। दो का भाग जा सकता है क्या सब में? बिल्कुल जा सकता है। तीन का भाग जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। चार का भाग 18 में नहीं जाएगा, 6 का भाग सभी में जा सकता है, 12 का भाग 18 में नहीं जाएगा। इसके बाद अब और कोई संख्या ऐसी है क्या? नहीं है। तो देखो इन सभी संख्याओं को अगर हम देखें तो इन सब में एक का भाग जाता है, दो का भाग जाता है, तीन का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये तीनों ये जो संख्याएं हैं ये इनमें कॉमन है, ये इनके अंदर हैं, पर यहां बात चल रही है हाईएस्ट। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या कहलाएगा? 6। 6 वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों में कॉमन है, मतलब इन तीनों को काट सकती है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हमें ऐसी संख्या देखना होता है जो तीनों में तीनों को काट सके। देखो एलसीएम और एचसीएफ में ना बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं इसी के एलसीएम की बात करूं तो 18, 24 और 36, ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा? तो आपको देखते से समझ में आ रहा होगा कि इसका एलसीएम आएगा 72, क्योंकि 18 से 4 बार, 24 से 3 बार, 36 से 2 बार, लेकिन इनका एचसीएफ क्या आ रहा है? 6। अब आप देखो दोनों को कंपेयर करो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम में हम बोलते हैं लघुत्तम, पर एक्चुअल में संख्या आती है बड़ी। एचसीएफ में हम बोलते हैं सबसे बड़ी संख्या, पर एक्चुअल में संख्या आती है छोटी। कारण यह है कि यहां हमें एलसीएम में ऐसी संख्या देखनी होती है जो जिससे तीनों को काटा जा सके, मतलब जिसका भाग किस उस संख्या में जाए। यहां 72 में हम संख्याओं का भाग देते हैं, है ना, मतलब एलसीएम में आपके जो नंबर्स हैं उसका भाग देते हैं। ऐसी संख्या देखना है जिसमें सभी संख्याओं का भाग जाए, लेकिन एचसीएफ में उल्टा होता है। एचसीएफ में पता क्या होता है कि जो संख्याएं हैं उन सब में एचसीएफ का भाग जाना चाहिए। उल्टा है, देखो एलसीएम में सभी संख्याओं का भाग जाना चाहिए, लेकिन एचसीएफ में सभी संख्याओं में एचसीएफ का भाग जाना चाहिए, और यह होना चाहिए सबसे बड़ी संख्या। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? क्लियर है, डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? जल्दी से बताओ, क्लियर है? तो वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो तीनों को काट दे, या जो तीनों में कॉमन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो अब आते हैं इसकी मेथड्स पर, ठीक है। इसको निकालने के लिए भी हमारे पास अगेन दो मेथड्स हैं, सेम उनके नाम है। पहला है भाग विधि, ठीक है, और दूसरा है गुणनखंड विधि। दोनों मेथड सेम यहां पे भी एलसीएम की तरह ही यूज होंगी, लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए अच्छी मेथड है गुणनखंड विधि, ठीक है, जो हम आगे बात करेंगे। क्योंकि भाग विधि की बात निकली है तो हम इसी से समझ लेते हैं। हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया, या अपने उसी एग्जाम्पल को ले लें क्या, 24, 30 और 40 का हमें बताना है एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी दो संख्याएं लेंगे, कोई भी दो संख्या ले लो। तो आप लेंगे 24 और इसमें आपको 24 का भाग किसमें देना है, 30 में, है ना। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर बाद में 40 के बारे में देखेंगे। तो 24 का भाग एक बार जा सकता है, तो कितना बचेगा, 6। इसका फिर नियम जो होता है कि जो शेषफल है वो अब यहां पे जो है उससे अब आपको भाग देना है, और यहां जिससे आप भाग दे रहे थे वो उठ के यहां आ जाएगा, और आपको तब तक भाग देते जाना है जब तक जीरो ना आ जाए, ठीक है। तो 6 का भाग दिया तो यहां तो बहुत जल्दी जीरो आ गया, ठीक है, मतलब यहां क्या हो गया, 6। अब आपने यहां पे देख लिया कि ये तो 6 है, ठीक है। अब इस 6 का भाग, यहां जीरो आ गया,
अब हम क्या करेंगे, इसी 6 का भाग 40 में देंगे। तो 6 का भाग मैंने 40 में दिया, तो 6 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, 6 इंटू 6 36, ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद यहां पे कितना शेषफल बच जाएगा, 4। अब हम क्या करेंगे, 6 का 6 को यहां रखेंगे, फिर 4 एकम 4, कितना बच गया, 2, और फिर इसको यहां लेंगे, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, कितना शेषफल बचा, 0। मतलब सबसे आखिरी बार किस संख्या से आपने भाग दिया, 2 से, तो इन सब का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, 2। बताओ और कोई संख्या हो सकती है क्या जिसमें तीनों का भाग जाए, भाई 2 के बाद अगली जो पॉसिबल नंबर है वो हो सकता है 4, पर 4 का भाग 30 में नहीं जाता, और अगर ये नहीं जाता तो इसके आगे कोई संख्या हो नहीं सकती। तो इस तरीके से, और मैं रिपीट कर रहा हूं, इस तरीके से अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो इसको बोलते हैं भाग विधि। और इससे आप मत करना, इससे आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। कैसे करना है फिर से बता रहा हूं, कोई भी 2 संख्या ले लेना, पहले उस संख्या का भाग इस संख्या में देना, और हमें तब तक भाग देते जाना है जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है। तो आपने 24 एकम 24, फिर 6 आया, अब जिससे भाग दिया था उसको यहां लोगे, फिर 6 इंटू 4 24, 0 आ गया। मतलब इन दोनों का, एक और चीज मैं बता दूं कि अगर मैं आपसे केवल इन दोनों के बारे में पूछता कि इन दोनों का एचसीएफ बताओ, तो इन दोनों का एचसीएफ 6 है, पर ये केवल 24 और 30 का एचसीएफ है। अभी 40 हमारे पास हो रहे, अब इसको हम 40 से टेस्ट करेंगे कि क्या 40 के लिए भी एप्लीकेबल है। तो 40 में मैंने 6 का भाग दिया, 6 इंटू 6 36, बचा कितना, 4। अब इस 6 को मैंने यहां पर लेकर आया, 4 एकम 4, बचा कितना, 2। फिर इस 4 को यहां रखा, 2 एकम 2, आखिरी बार जिस संख्या से भाग जाता है वही एचसीएफ होता है। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 2। बताओ जल्दी से, समझ में आया। ये सब आपने स्कूल में पढ़ा है, मतलब मैं कुछ भी ऐसा नया बता के कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, ये सब आपने स्कूल में पढ़ा है, पर बस स्कूल में आपने अच्छे से नहीं पढ़ा था, है ना, इसलिए सब भूल गए हो, और इसलिए आपको लगता है कि वाह सर मजा आ गया। मजा क्या आ गया, आपने स्कूल में कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो अब दोबारा पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है, तो आपको मजा आ रहा है, ठीक है। बाकी चीजें सब बेसिक हैं, है ना, और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि एनसीईआरटी की बुक सॉल्व किया करो, एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है, उससे आपका बेसिक भी क्लियर होता है और आपको क्वेश्चंस भी अच्छे से मिलते हैं और आपको पता होता है कि एक्चुअल में हमें पढ़ाना क्या है। चल आगे बढ़े, नेक्स्ट आपको दूसरी विधि बता देता हूं मैं, दूसरी हमारी मेथड कौन सी हो जाएगी, गुणनखंड विधि। हाँ मैंने पहले ही कहा है कि आपको कई लोगों को पहले से करना आता होगा, पर मैं उन लोगों के लिए पढ़ा ही नहीं रहा हूं, आज मैं उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं जिनको कुछ नहीं आता, जिन्होंने स्कूल में कभी पढ़ा नहीं, या पढ़ा भी है तो बिल्कुल भूल गए, या याद भी है तो उन्हें उस समय समझ नहीं आया था तो रट्टा मार के उन्होंने याद किया था, मैं उन लोगों के लिए आज पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलो दूसरी हमारी मेथड की हम बात करते हैं जिसका नाम है गुणनखंड विधि, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब इसमें हम क्या करेंगे उसको समझना, अगेन हम सबके अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे, 24 का गुणनखंड, 30 का गुणनखंड और 40 का, ये हमने पहले भी निकाला था, है ना। तो आपको अगर नहीं याद है हमने पहले गुणनखंड निकाले हैं, मैं आपको अभी जस्ट दिखा देता हूं कहां गए, ये देखो 24 का गुणनखंड क्या था, 2 की घात 3 गुणा 3, 2 3 5 और 3 और 5, क्लियर है। तो देखो इसको ही मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको करना तो आता ही है, कर लोगे। तो 24 के गुणनखंड क्या थे, 2 की घात 3 और 3 की घात 1, 30 कैसे बना था, तो 30 में तीनों आ गए थे, 2 3 और 5, ठीक है। और 40 कैसे आया था, तो 2 की घात 3 मतलब 8 और 8 पंजे 40, ये आ गए इनके गुणनखंड, ओके। अब हम यहां पे क्या देखेंगे, गुणनखंड विधि में बहुत ये सबसे आसान है, और इसमें हमें देखना है कॉमन कि सभी में कॉमन क्या क्या है। आपको ये तो दिख ही रहा है कि यहां पे 3 नंबर्स हैं, भाई कौन कौन से नंबर्स हैं, 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है, अभी इनको हम हल नहीं करेंगे। अब देखो 2 सब में आ रहा है क्या, या एक काम करो, आपको इससे अच्छा मैं एकदम स्कूल वाली मेथड से ही बताता हूं, 24 30 और 40, देखो ये होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 30 में क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5, और 40 में क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है, चेक कर लो एक बार, 8 तिया 24, 15 दूनी 30 और ये 40, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि तीनों में कॉमन क्या क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 सभी में कितनी बार आ रहा है। देखो मुझे एक बार तो 2 सब में क्लियर दिखाई दे रहा है कि 2 सभी में एक बार तो आ रहा है,
फिर दो यहां है, यहां है, लेकिन यहां नहीं है, तो केवल क्या कॉमन निकला? दो। फिर हम आगे बढ़े, अब आप और चेक करो कि और क्या कॉमन हो सकता है। तो आपने देखा कि तीन यहां भी है, यहां भी है, पर तीन यहां नहीं है। पांच यहां है, यहां है, पर यहां नहीं है। मतलब इन सब में केवल दो कॉमन निकला, तो अपना जो HCF आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? दो। इसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम लोग भी स्कूल टाइम में उतने कोई मतलब वैसे नहीं थे कि हमें वास्तव में सीखना है। हम लोग भी पास होने के लिए पढ़ते थे, टीचर्स भी पास होने के लिए पढ़ा देते थे, इसलिए वो भी उतनी मेहनत नहीं करते थे क्योंकि हम उतनी मेहनत नहीं करना चाहते थे। ठीक है, अब समझ में आ रहा है सब अच्छे से? चलो, क्लियर है। तो ये हमारी हो गई गुणनखंड विधि। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए सबसे अच्छी मेथड कौन सी है? भाग विधि, डिविजन मेथड। और अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए सबसे अच्छी मेथड कौन सी है? तो मैं आपको कहूंगा गुणनखंड विधि, जो अभी हमने सीखी। ये दोनों मेथड्स हैं, ये हमें यूज करना है। बाकी मैंने आपको दोनों की दो दो मेथड्स बता दी। ठीक है, चलो अब आप एक क्वेश्चन करके बता दो मुझे। तो आपके लिए एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं यहां पे, आप मुझे जल्दी से बताओ 30, 40 और 60 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ बताना है आपको, है ना? हाँ प्रसन्न, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर अभी देने वाला हूं, दो मिनट रुक जाओ बस, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा कि अगर तीनों में अलग अलग कॉमन हो तो क्या करना है। आया आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, हम सबसे पहले 30 के गुणनखंड निकालेंगे। तो अगर 30 के गुणनखंड निकाले जाएं तो 2 से 15 बार, 3 से 5 बार और 5 से 1 बार। फिर 40 के गुणनखंड निकालें तो 2 से सबसे पहले कटेगा कितनी बार? 20 बार। फिर 2 का भाग जब तक देना है जब तक जा सकता है, और अब 5 से 1 बार। इसके बाद क्या आ रहा है आपके पास? 60। तो 60 से अगर आप भाग दोगे तो 30 बार, फिर 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा आपका ये? 15। फिर 3 का भाग जाएगा 5 बार और 5 से भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, तो अब आप चाहो तो ज्यादा नहीं, यहीं पे ऐसे ही देख लो कि क्या क्या कॉमन है। और देखो, ये चीज आप मन में भी कर सकते हो, मैं एकदम जीरो से सिखा रहा हूं इसलिए आपको एकदम बच्चों जैसा स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूं, पर आपको ये चीज कोशिश करनी है कि जितना मन में कर सको उतना अच्छा। तो सब में दो दिख रहा है क्या? सब में दो तो कॉमन है, ठीक है। इसके बाद और क्या दिख रहा है सब में? तीन सभी में है क्या? तीन यहां नहीं है, यहां नहीं है, ये हमने सही किया है ना? ठीक है, तीन यहां है पर यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, तो तीन कहीं नहीं है भाई। फिर इसके बाद देखो, पांच यहां भी है और यहां भी है, तो पांच और आ जाएगा। तो दोनों में मतलब तीनों संख्याओं में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या आएगा? 10। 10 से और कोई बड़ी संख्या नहीं हो सकती जो तीनों में कॉमन हो। बताइए जल्दी से, समझ में आया? भाई दो आंसर क्यों दे रहे हो और छह कहां से आ रहा है? ठीक है, तीन कॉमन नहीं है ना, तीन इसमें तो है पर यहां कहां है कॉमन? ठीक है, तो तीन नहीं हो सकता, तो कॉमन केवल क्या है? दो और पांच, मतलब इनका एचसीएफ क्या आएगा? 10। इसमें तो गलती मत करो। हाँ, बाकी देखो, आप यहां पे भी वही थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाओगे तो आप यहां पे भी आसानी से निकाल सकते हो। आप मन से कोई सी भी संख्या सोच कर देखो, है ना, छोटी संख्या से स्टार्ट करो। जैसे आपके मन में आया कि सबसे पहले पांच का भाग सब में जा सकता है, तो पांच तो हो गया, पांच से बड़ा और क्या हो सकता है? तो फिर आप ऐसे करोगे, जल्दी आ जाएगा, प्रैक्टिस का खेल है, बस आप प्रैक्टिस करोगे, हर चीज आपसे अच्छे से बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब मैं आगे आपको एक और चीज बताता हूं। अब अगला मैं आपको सिखाता हूं भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अगर भिन्न का एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको और सीख लो। भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। तो अगर आपको कभी भी भिन्न का एलसीएम एचसीएफ निकालना हो
तो कैसे करेंगे? बिल्कुल, देखो भाग विधि अच्छी लगती है सचिन, उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो देखो, आपको मैं सबसे पहले बताता हूं भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर एचसीएफ पे आएंगे। तो जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, मैंने कहा 2/3। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन का आंसर देना भूल गया जो प्रसन्न ने पूछा था, ठीक है, एक फिर उस पे मैं आता हूं। आपको एक छोटी सी बात और मैं बताना भूल गया, देखो फिर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए कभी आपके पास कोई एग्जाम्पल है, आपसे कहा जाए कि 20, फिर हम ले लेते हैं 30 और 37 का एचसीएफ क्या होगा? चलो इसका आंसर जल्दी से बताओ, 20, 30 और 37 का एचसीएफ क्या होगा? 1 छोटी सी बात और मैं बता दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ बताना है आपको, एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम तो निकाल लोगे, एचसीएफ क्या होगा? ठीक है, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जिनको पुराना याद नहीं होता है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। देखो बहुत कॉमन सी बात है, आप 20 के गुणनखंड कर लोगे, 30 के गुणनखंड कर लोगे, पर 37 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। 37 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है, और इसके गुणनखंड संभव नहीं है। तो अगर आपके पास कभी कोई अभाज्य संख्या साथ में आ जाए तो ऐसे केस में एचसीएफ क्या होगा? 1। मतलब जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो आप क्या बोलोगे? एचसीएफ, क्योंकि 1 से तो हर संख्या में भाग जाएगा ना, कुछ भी हो जाए 1 का भाग तो हमेशा जाएगा। तो इसलिए जब कुछ भी कॉमन न निकले तो हमारा एचसीएफ उस केस में क्या आता है? 1, मतलब 1। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 2/3, फिर हम ले लेते हैं 5/6 और फिर ले लेते हैं 4/5, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 2/3, 5/6 और 4/5 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो अब हम सीख रहे हैं भिन्न का एलसीएम कैसे निकालें। क्लियर है सभी को? ओके चलो, तो अगर कभी भी आपको एलसीएम निकालना हो तो देखो, आपको पता है ऊपर हम लिखते हैं अंश और नीचे वाले को हम लिखते हैं हर। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो आप ध्यान रखना, कभी भी भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। अंश का क्या निकालते हैं? एलसीएम। और हर का क्या निकालते हैं? एचसीएफ। क्या मतलब है इसका? अब यहां देखो, यहां अंश ये है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 2, 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, और 3, 6 और 5 का, 3, 6 और 5 का एचसीएफ निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं बिना ज्यादा इसको कैलकुलेट करे। ऐसी कौन सी संख्या होगी जो तीनों, जिसका भाग तीनों में चला, तीनों का भाग उसमें चला जाए? तो 20 होगी क्या, है ना, क्योंकि 20 में सभी का भाग जाता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 20। एचसीएफ क्या हो जाएगा? इन तीनों में कॉमन क्या निकलेगा? 3, 6, 3 और 6 तो चलो ठीक है, पर 5 आ गया तो यहां कॉमन क्या निकलेगा बता सकते हो क्या? इनमें कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, मतलब 1। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर आएगा कि ये जो तीनों हमारे भिन्न हैं, इनका एलसीएम कितना आएगा? 20। बताइए जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, 20/1 लिखो या सिर्फ 20 लिखो, एक ही बात है ना। तो ये वो संख्या है जिसमें तीनों का भाग चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब अगर मैं बात करूं उल्टा, अब इसी क्वेश्चन में हम लेते हैं, इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं कि बताइए इनका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान है, इनका एचसीएफ क्या होगा? तो बस हमारा ये नियम पलट जाएगा। हम क्या करेंगे, अगर एचसीएफ निकालना है कभी भी भिन्न का, तो आपको क्या करना है? अंश का एचसीएफ, ठीक है, और हर का एलसीएम। बस इतना सा रूल चेंज होगा। तो यहां भी हम चेंजेस कर देंगे, हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे और इनका एलसीएम निकालेंगे। क्लियर है? ठीक है,
तो देखो समझ में आ रही बात, एकदम उल्टा हो जाएगा। बस देखो, अगर आपको HCF निकालना है तो अंश का HCF, ऊपर वाले नंबर्स का HCF, नीचे वाले नंबर्स का LCM। अगर आपको इन्हीं का LCM निकालना होता तो ऊपर LCM नीचे HCF, मतलब LCM बोलेंगे तो ऊपर LCM नीचे HCF, HCF बोलेंगे तो ऊपर HCF नीचे LCM, है ना, बस कंफ्यूज नहीं होना। तो अब मुझे ऊपर वाले नंबर्स का HCF निकालना है, मतलब इन तीनों में कॉमन क्या होगा, तो इन तीनों में कॉमन केवल एक ही हो सकता है क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या आ गई है, और इन तीनों का मुझे निकालना है LCM, तो इनका LCM क्या हो सकता है, 30 हो सकता है क्या, है ना, क्योंकि 30 में तीनों का भाग चला जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/30। ये है इन तीनों भिन्न का HCF। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? करेक्ट। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? गुड। तो ये मैंने आपको जब भिन्न चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको नहीं बताया था, अगर मैं आपको LCM HCF नहीं पढ़ाता तो बता देता, पर क्योंकि LCM HCF मुझे पढ़ाना था इसलिए मैंने ये आपको भिन्न में नहीं पढ़ाया। ठीक है, अब आप ये भी समझ गए होंगे। आगे बढ़े, चलिए अब एक छोटा सा एक रूल आप याद रखिए, मतलब एक इसमें स्पेशल कंडीशन होती है वो आप याद रखना, एक अलग चीज बता रहा हूं मैं, है ना। नियम यह होता है कि किसी भी दो संख्याओं का गुणा और उनके LCM और HCF का गुणा हमेशा कैसा होता है, बराबर। कोई भी दो संख्या ले लो आप, आपके मन में जो आ जाए, आप किसी भी दो संख्याओं का का आपस में गुणा करना और उन्हीं के LCM और HCF का गुणा करना, आपको हमेशा बराबर मिलेगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, मान लीजिए 12 और 15 मैंने दो संख्याएं ली, इसको मैंने A नाम दे दिया, इसको मैंने B नाम दे दिया। ठीक है, तो अगर मुझे इसका LCM निकालना है तो 12 और 15 में ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जो जिसका भाग, जिसमें दोनों का भाग चला जाए, तो 15 का डबल किया 30, 45, 60, तो इनका LCM क्या हो सकता है, 60। इनमें कॉमन क्या हो सकता है, इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, तो 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भाग दोनों में जाता है, 3 के बाद 4, 6 किसी का भाग नहीं जाएगा, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, 3। ठीक है, तो आप चेक करके देख लो, हमारी दोनों संख्याएं क्या थी, 12 और 15, और दोनों संख्याओं का LCM क्या था, 60 और 3। तो देखो 12 और 15 का गुणा करोगे तो 15 दुनी 30, 15 एकम 15 और 3 18, 60 का 3 गुना क्या होता है, 18। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी दो संख्याओं का आपस में गुणा और उन्हीं के LCM और HCF का गुणा हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। देखो राघव, हम कैंसिल कर सकते हैं, अगर नंबर्स कट रहे हैं तो उनको कैंसिल कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये एक रूल होता है, किसी भी दो संख्या का गुणा और उनके LCM HCF का गुणा हमेशा कैसा होता है, बराबर। अभी कोई क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं है, मैं आपको यूं ही कोई क्वेश्चन दे देता हूं। इसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको कहा जाएगा कि कोई दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 40 और एक संख्या है 50। ठीक है, एक संख्या है 40, एक संख्या है 50। अगर इन दोनों संख्याओं का HCF 10 हो तो LCM क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, दो संख्या हैं जिनका, दोनों संख्याएं 40 और 50, अगर इनका HCF 10 हो तो इनका LCM क्या होगा। ठीक है, कर लोगे क्या? देखो वैसे भी मैंने तो बिना चेक करे ऐसे लिख दिया है, 10 से बड़ी और कोई संख्या तो इनको काटेगी नहीं, 20 काट सकती है ना, चलो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 20 से भी तो दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो 20 हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इनका HCF क्या होगा, करोगे क्या, LCM क्या होगा? नहीं, सॉरी, गलती क्यों कर रहा हूं मैं, LCM HCF 10 ही आएगा ना, क्योंकि 20 का भाग 50 में तो जाएगा नहीं, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या हो गई 40, एक संख्या हो गई 50, LCM हमारे पास नहीं है और HCF कितना है, 10, तो 0 से 0 कट गया, 40 का 5 गुना, दोनों संख्याओं का LCM कितना आएगा, 200। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। ओके,
चलिए अभी थोड़ा सा टाइम और है हमारे पास, तो मैं आपको और एक एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं। नहीं, मजे नहीं ले रहा हूं, ठीक है? देखो, एक क्वेश्चन ऐसा आता है, आपको कहा जाएगा, मैं क्वेश्चन चलो लिख देता हूं, राइटिंग तो इस पे अच्छी नहीं आती, फिर भी लिखने की कोशिश करता हूं मैं। आपसे बोला जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 50 या थोड़ा सा अलग फिगर ले लेते हैं, जो 18, 20 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 18, 20 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। इंग्लिश में मैं आपको बोल के बता दूंगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं, बाकी मैं आपको जस्ट बता रहा हूं क्योंकि आपने जो सीखा है उसी से अपना यहां पे काम हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 20 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है? मतलब आप अगर क्वेश्चन की थोड़ी सी गहराई में जाओगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझोगे तो आपको समझ में आएगा। आपको एक ऐसी संख्या बताना है जिसमें इन तीनों का भाग जाए, ठीक है? एक ऐसी संख्या बताना है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए और कुछ भी शेष न बचे। मतलब यही तो एलसीएम की परिभाषा होती है, वह संख्या जिसमें तीनों का भाग चला जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनका बस एलसीएम निकालना है। निकाल लोगे का इनका एलसीएम? तो अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, ठीक है? अगर आप डायरेक्ट निकाल लेते हो तो ठीक, नहीं तो फिर अपनी ये वाली मेथड तो है हमारे पास, ठीक है? वैसे जो भी आंसर आएगा वो 30 के मल्टीपल में आएगा। 30 में 20 का भी भाग नहीं जाता, 18 का भी नहीं जाता। 30 का आपने दुगना करा 60, अब 20 का जा रहा है पर 18 का नहीं जा रहा। 30 का 30 गुना करा आपने 90, अब 90 में दिक्कत यह है कि 20 का भाग जा रहा है तो 18 का नहीं जा रहा। 120 करा, 120 में 18 का भाग जाएगा क्या? 18 का भाग नहीं जाएगा, 20 का भाग चला जाएगा। तो आप बेटर है थोड़ा यहां दिमाग लगा लो, 9 से कट जाएगा 10 बार और ये कट जाएगा आपका 15 बार, फिर 2 से और कट सकता है अभी ये, तो 2 से 9 बार, 2 से 5 बार, 2 से 15 बार, फिर 3 से चला जाएगा 3 बार, 5 और ये 5 ही रहेगा, ठीक है? जगह कम हो गई हमारे पास, तो एक बार 3 से भाग जाएगा तो ये 1, 5 और 5 हो जाएगा, ठीक है? और इसके बाद एक बार 5 से भाग जाएगा, तो 2 का दुगना 4, 4 का 3 गुना 12, 12 का 3 गुना 36, 36 का 5 गुना 180। तो इनका एलसीएम आएगा 180, और 180 ही आंसर है। 180 वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग पूरा पूरा जाएगा और शेषफल कुछ नहीं बचेगा। बताइए जल्दी, समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आपको दिखे, आपको एलसीएम निकालना है, ये मैं आपको इसमें सिखाना चाह रहा हूं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सबका भाग जाए, मतलब आपको इनका एलसीएम ही लेना है, और एलसीएम कितना हो गया? 180, बस वही आंसर है। क्या लिखा है गौरव आपने? मुझे समझ नहीं आ रहा है आपने क्या लिखा है, ठीक है? अब इसमें और कंडीशंस बन सकती है, और क्या कंडीशंस बन सकती हैं? आपसे कहा जा सकता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जिसमें हम 18, 20 और 30 का भाग दें, 18, 20, 30 से भाग देने पर, 18, 20, 30 से भाग देने पर कुछ भी ले लो, 5 शेष बचे, मतलब प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे, ठीक है? पिछले वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था कि शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए, मतलब जीरो आना चाहिए, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस में एससीएफ नहीं निकालते ना, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि प्रश्न पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा कि एलसीएम निकालना है कि एससीएफ निकालना है, इसलिए प्रश्न की भाषा पर आपको ध्यान देना है ना? तो आपसे कहा है छोटी से छोटी संख्या बताओ। वैसे तो देखो, छोटी से छोटी संख्या बोला है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए,
18, 20, 30 से भाग देने पर पांच शेष बचना चाहिए, मतलब प्रत्येक दशा में। क्वेश्चन बहुत प्रॉपर लिखा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मतलब ऐसी संख्या बताओ कि 18 का भाग दें तो भी पांच बचे, 20 का भाग दें तो भी पांच बचे, और 30 का भाग दें तो भी पांच बचे। तो आपको अगेन क्या करना है, सबसे पहले तो HCF निकालना है, सॉरी LCM निकालना है। आपने जस्ट इनका LCM निकाला था, कितना आया था, 180 आया था। 180 कौन सी संख्या है जिसमें तीनों का भाग जाएगा, लेकिन वो बोल रहे हैं 180 में क्या होगा, तीनों पूरे पूरे कट जाएंगे, पर वो बोल रहे हैं पांच बचना चाहिए, तो सिर्फ पांच जोड़ना भर है आपको, आपका आंसर आ जाएगा 185। 18 का भाग दोगे तो भी पांच बचेगा, 20 का भाग दोगे तो भी पांच, 30 का भाग दोगे तो भी पांच, मतलब बस शेषफल को जोड़ना है आपको, इतना समय आपको यहां पर बोल रहा हूं। ओके गौरव, ठीक है, अभी वो क्वेश्चंस नहीं है, मैं आपको करवा दूंगा आगे, जो भी अपना प्रैक्टिस सेशन रहेगा उसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं करवा दूंगा। चलिए समझ में आया, घटाना नहीं है कन्हैया, जोड़ना है, ठीक है, घटाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बचना चाहिए तो 180 से आप उतना एक्स्ट्रा कर दो। क्लियर है? तीसरी और आखिरी कंडीशन बता देता हूं, ऐसे तो बहुत सारा है, मतलब मैं एलसीएम एचसीएफ अगर आपको एकदम अच्छे लेवल से पढ़ाऊं तो ये 4 या 5 दिन का चैप्टर है ना, पर क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं बहुत आराम से और केवल उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो तीसरी और आखिरी कंडीशन बता देता हूं, थर्ड कंडीशन इसमें क्या बन सकती है, देखो आपसे बोलेंगे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18, 20, 30 से भाग देने पर क्रमशः 18, 20 और 30 से भाग देने पर क्रमशः क्या बचे, तो 15 बचना चाहिए, 17 बचना चाहिए और 27 बचना चाहिए, शेष बचे, ऐसा सवाल कभी आ जाए, ठीक है। 18 से भाग दें तो 15 बचना चाहिए, 20 से भाग दें तो 17 बचना चाहिए, 30 से भाग दें तो 27 बचना चाहिए। इस बार आपके सभी के जो शेषफल हैं, रिमाइंडर हैं, वो अलग अलग हैं, ठीक है। यहां पर भी हमारा तरीका सेम रहेगा, सबसे पहले हम वही एलसीएम निकालेंगे, तो हमारा एलसीएम कितना है, 180, ठीक है, लेकिन इस बार सबके शेषफल अलग अलग हैं, और कभी भी शेषफल अलग अलग होंगे तो आप हमेशा देखना उनका अंतर समान होगा। देखो जरा 18 और 15 में कितने का अंतर होता है, 18 और 15 में अंतर कितने का है, 3 का है। 20 और 17 में कितने का अंतर है, 3 का। 30 और 27 में कितने का अंतर है, 3 का। तो अगर शेषफल अलग अलग हो जाएंगे तो उनके बीच का अंतर हमेशा समान होगा, है ना, क्योंकि अब आप 180 में 15 जोड़ोगे तो अलग आंसर आएगा, 17 जोड़ोगे तो अलग आंसर आएगा, 27 जोड़ोगे अलग आंसर आएगा, पर यहां अच्छी बात यह है कि इनके बीच का अंतर समान है और उस अंतर को हमेशा घटाएंगे, अंतर जुड़ेगा नहीं, अंतर को घटाएंगे। हमारे अब प्रश्न का करेक्ट आंसर आएगा 177, आप चेक करके देख लेना यही होगा, आप किसी से भी चेक करके देख लो। जैसे 177 को चलो आप किससे भाग दे दो, 20 से भाग दे के देखो जरा, 20 से भाग दोगे तो 20 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार, 20 अठी 160, शेषफल कितना बच गया, 17, वही बोल रहे थे क्या, किसी से भी आप चेक करके देख लो, शेषफल वही बचेंगे। तो अगर सिंगल शेषफल है, एकमात्र शेषफल है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि किसी से भी भाग दो 5 बचे, तो शेषफल हमेशा जुड़ेगा। एलसीएम में सिंगल शेषफल है तो वो जुड़ेगा, पर जब शेषफल अलग अलग हो तो अंतर हमेशा समान होगा और वो अंतर हमेशा घटेगा। ये आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। बिल्कुल सुरेंद्र, पूरा पढ़ लो वहां से, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, वो बहुत हाई लेवल का है पर, है ना, बाकी वहां से पढ़ लो आप, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? जल्दी से बता दो समझ में आया, इतने के आगे अब हम रुकेंगे, इससे ज्यादा आपको और नहीं बताऊंगा मैं, इसके बाद अब कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा आपका। वैसे केवल मुझे आपको इतना ही सिखाना था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं और भिन्न का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो घटाना जोड़ना आपको मैंने कहा ना, आपको प्रश्न पढ़ के समझना पड़ेगा। अगर एक शेषफल बोले, देखो एक और क्वेश्चन बता देता हूं, सुनो एक और क्वेश्चन देखो, इससे समझ में आ जाएगा।
मैं आपसे कहूं कि अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 20, 25 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 20, 25 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो चलो सबसे पहले तो 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालोगे, ठीक है। आपने 2 से भाग दिया 10 बार, 25 बार और 15 बार, फिर 2 का भाग और जा सकता है 5 बार, 25 बार और 15 बार, फिर 3 का भाग जा सकता है, इन दोनों में तो नहीं जाएगा, इधर जाएगा, फिर 5 का भाग जा सकता है 1 बार, 5 बार, 1 बार और 5 का भाग जाएगा, तो ये हो गया। 2 का दुगना 4, 4 का 3 गुना 12, 12 पंजे 60 और 60 का 5 गुना 300। आपने इनका देखा कि इनका एलसीएम कितना आया, 300। एक बार चेक कर लो जरा, सही है, ठीक है, क्लियर है। तो इनका सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो मैंने आपको सबसे पहली कंडीशन ये बताई थी कि वो संख्या पता लगाओ जिसमें पूरा पूरा भाग जाए, ठीक है। तो अगर पूरा पूरा भाग जाएगा तो आंसर उस केस में क्या होगा, 300। 300 वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें तीनों का भाग चला जाएगा, ये मैंने आपको बताया। दूसरी कंडीशन मैंने बताई, सुनना इसी में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 20, 25 और 30 से भाग देने पर 7 शेष बचे। क्या बचे, 7 शेष बचे, हर बार 7 बचना चाहिए, तो एलसीएम निकाल के सिंगल शेषफल जुड़ेगा, तो उस केस में आपका आंसर आएगा कि वो संख्या होगी 307। किसी का भी भाग दोगे, हर बार क्या बचेगा, 7। तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई कि वह संख्या ज्ञात करो 20 से भाग दें तो 19 बचे, 25 से भाग दें तो 24 बचे, 30 से भाग दें तो 29 बचे। तो अब देखो सभी के शेषफल अलग अलग हो गए, और जब भी शेषफल अलग अलग होंगे तो अंतर समान होगा। तो यहां देखिए अंतर सब में क्या कॉमन आ रहा है, 1, तो उस केस में अंतर को हम हमेशा घटाएंगे, आपका आंसर आएगा 299। ये तीन चीजें मैंने आपको समझाई, बताइए जल्दी से, क्लियर है तीनों टाइप। ठीक है यहां तक, हाँ ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले हमने सीखा था एलसीएम निकालना, उसकी दो मेथड, एससीएफ निकालना, उसकी दो मेथड, फ्रैक्शंस भिन्न का एलसीएम कैसे निकालना है, एससीएफ कैसे निकालना है, वो हमने समझ लिया। उसके बाद मैंने आपको एक स्पेशल कंडीशन बताई कि किसी भी दो संख्याओं का गुणा और उनके एलसीएम और एससीएफ का गुणा हमेशा बराबर होता है। और आखिरी में तीन और आपको मैंने टाइप्स कराए कि अगर सिर्फ भाग जाए, एक शेषफल बचे और ज्यादा शेष अलग अलग शेषफल बचे, तो ये तीनों बातें भी मैंने आपको समझा दी। क्लियर है यहां तक सभी को, उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसको आपको अगर कंफ्यूजन है तो और एक बार रिवाइज कर लेना, आपको सारी चीजें और अच्छे समझ में आ जाएंगी, ठीक है।